हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुप्रिय। आप देख रहे हो हिंदी टेक वीडियो और इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं मोटो G5 S प्लस फोन की प्रोस एंड कॉन्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस तरह की वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो घंटी वाला आइकन है उसे दबा दो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो। दोस्तों आपको बता दूं, मैं ऑलरेडी अनबॉक्सिंग, फर्स्ट इंप्रेशन, कैमरा रिव्यू आपके लिए एक प्रोज एंड कॉन्स वीडियो बना रहा हूं। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। प्रोस से शुरू करते हैं, उसके बाद हम कॉन्स के ऊपर बात करेंगे। तो पहला जो अच्छी बात है वो इसका कैमरा है। इसका डुअल रियल कैमरा 13 मेगापिक्सल का है f2.0 अपर्चर के साथ और काफी ज्यादा अच्छा डिटेलिंग के साथ कैमरा का परफॉर्मेंस है डेलाइट के अंदर, और हाई क्वालिटी की इमेज कैप्चर करता है हाई डिटेलिंग के साथ डेलाइट के अंदर। पर जो परफॉर्मेंस है नाइट के ऊपर उतनी यदि अच्छी नहीं लगे, बेटर देन G5 प्लस पर उतनी यदि अच्छी नहीं है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। दोस्तों दूसरा जो प्रोस मुझे लगा हुआ है इसका डीप इरेजर। इसके साथ आप फोटो को क्लिक करने के बाद में फोकस कर सकते हो, ब्लर कर सकते हो अपने पीछे के बैकग्राउंड के। सो एक काफी अच्छी बात है, मुझे पर्सनली खूब अच्छा लगा, सो इसलिए मैं पर्स के अंदर इसे ला रहा हूँ। तीसरा जो अच्छी बात है दोस्तों, इसका जो डिस्प्ले है फुल HD शार्प क्वालिटी का डिस्प्ले है और अच्छा व्यू एंगल देता है, शार्पनेस भी अच्छी खासी है और स्टनिंग डिस्प्ले के साथ आता है। दोस्तों फोर्थ है इसके अंदर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया है डिस्प्ले के ऊपर। सो एक अच्छी बात है, मेरे हिसाब से एक पोज हो जाती है। फोन है वाटर रिप्लेकेंट नैनो कोटिंग के साथ आता है। सो एक्सीडेंटली अगर वाटर आपके फोन के ऊपर गिर जाए तो फोन को कुछ नहीं होगा। सो स्प्लैश प्रूफ है। जो प्रोस मुझे लगा, ग्रेविंग के दौरान फोन हीट नहीं होता है, छोटा मोटा हीट होता है, इतने भी हीट नहीं होता है। सो अच्छी खासी गेमिंग परफॉर्मेंस देता है, स्मूथ परफॉर्मेंस है, कोई भी लैग और हैंग कुछ भी नहीं है। और इसका बैटरी के रिलेटेड है, इसके अंदर 3000 mAh की बैटरी का यूज किया गया है और 15 W का टर्बो चार्जर के साथ आता है, जिस चार्जर के साथ आप 15 मिनट में आपको आपका फोन को चार्ज कर सकते हो 60% तक। और टर्बो चार्जर के साथ अगर आपके फोन को आप चार्ज करते हो तो आप 15 मिनट चार्ज करने में 6 आवर का टाइम पा सकते हो, ऐसे कहते हैं मोटोरोला। तो चार्जिंग स्पीड अच्छी खासी है 15 वाट के टर्बो चार्जर के साथ। फोन है, फोन 4K वीडियो को सपोर्ट करता है। सो अगर आप 4K वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हो तो रिकॉर्ड कर सकते हो। मैं दोस्तों इसका जो फ्रंट कैमरा है, इस फ्रंट कैमरे के अंदर फ्लैश यूज किया गया है। सो आपको एक अच्छी खासी लो लाइट सेल्फी मिल सकती है इस फ्रंट फ्लैश के साथ। और दोस्तों जो वाइट एंगल व्यू है काफी अच्छा है, सो आप चाहो तो ग्रुप सेल्फी ले सकते हो इसकी फ्रंट फ्लैश से, फ्रंट कैमरा से। इसके अंदर VLTV सपोर्ट है, सो आप 4G को यूज कर सकते हो। जियो का जमाना है, सो जियो 4G भी यूज कर सकते हो। फिंगरप्रिंट सेंसर है वो सामने माउंट किया गया है और फिंगरप्रिंट सेंसर एक्यूरेट है, फास्ट है, बहुत ज्यादा फास्ट नहीं है पर ठीक ठाक है और मुझे पर्सनली अच्छा लगा है। एक्यूरेट है और सब समय काम करेगा। आपकी टेस्ट तो नहीं कहूंगा पर एंड्रॉइड 7.1.1 नोगेट के साथ आता है, गूगल असिस्टेंट के साथ भी आता है, एंड्रॉइड 8.0 का अपडेट आने वाला है। और दोस्तों इस फोन के अंदर NFC भी है, सो एंड्रॉइड पे रेडी है। जब भी इंडिया के अंदर एंड्रॉइड पे और कोई भी NFC रिलेटेड चीज आएगा आपका फोन के ऊपर हार्डवेयर का सपोर्ट रहेगा। दोस्तों स्नैपड्रैगन 625 के साथ आपको एक अच्छा और बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगा और श्योरली आप कभी भी डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे इस फोन के साथ। बात करते हैं इस फोन के अंदर क्या क्या कॉन्स है। सो पहला हाइब्रिड सिम स्लॉट, तो आप दो सिम कार्ड SD कार्ड को एक साथ नहीं लगा सकते, एक कौन से मिल सबसे। इसका जो डिप मोड है जैसे कि मैं बताया एक काफी अच्छी मोड है, पर अगर आप कोई भी फोटो को सेव करने की कोशिश करते हो डिप मोड के अंदर तो स्लोली काम करता है और शायद नेक्स्ट OTA अपडेट के साथ ये जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाए। बात करते हैं जो बैटरी है दोस्तों, 3000 mAh की बैटरी है, 15 W की टर्बो चार्ज के साथ आता है, पर अगर इसके अंदर 4000 mAh की बैटरी के साथ आता तो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। मेरे हिसाब से 3000 mAh की बैटरी ठीक ठाक है, पर आपको 6 आवर की स्क्रीन ऑन दे सकती है, इसके ऊपर नहीं दे सकती है। पर आपके पास फास्ट चार्जिंग के ऑप्शन है कि इस फोन के अंदर कोई भी LED लाइट नोटिफिकेशन का सिस्टम नहीं है, आपको मोटो डिस्प्ले मिलता है, उसके साथ आपको गुजारा करना पड़ेगा। एनीवे दोस्तों यही कुछ प्रोस एंड कॉन्स था मोटो G5 S प्लस फोन के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के शेयर करो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के अंदर। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।